आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तारनगरी के लिए 14 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया। मगर संक्रांति के दिन कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप आगरा आई। इस दौरान राज्यमंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश ने वैक्सीन स्टोर रूम का निरीक्षण किया। ताजनगरी के लिए गुरुवार यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया। इस दिन ताजनगरी के लोगों को बड़ी सौगात मिली। ताजनगरी में कोविड 19 की वैक्सीन की पहली खेप आगरा पहुंची। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश ने वैक्सीन स्टोर रूम का निरीक्षण किया। हाँ, वैक्सीन जो आगरा में आनी थी हमारे यहाँ अब हमारे स्टोर में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर में पहुँच चुकी है और 26,280 डोज इस समय अवेलेबल है। 16 तारीख से अब हम वैक्सीनेशन करना प्रारंभ कर देंगे। सर्वप्रथम ये फेज़ वन चल रहा है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर का इम्यूनाइजेशन होगा और इसमें एक अच्छी चीज़ ये बना दी गई है कि जो भी वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर को लगेगी उतनी ही वैक्सीन हम रिज़र्व करके 28 दिन बाद उसको पुनः लगाने के लिए रख लेंगे ताकि कभी किसी भी समय हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज ना होने पाए और दूसरा डोज उसको समय से लग जाए। पिछले लगभग 10 माह से ज्यादा समय से कोरोना की मार झेल रहे लोगों को यही लग रहा था कि क्या इसकी दवा बन पाएगी, क्या इसकी दवा कभी आ पाएगी, क्या पुरानी दवाओं से ही इलाज किया जाएगा। लेकिन देश के लाखों वैज्ञानिकों ने असंभव को महज एक साल के अंदर ही संभव कर दिखाया। टोटल हमारे स्टेट ड्रग वेयर हाउस में 99,500 डोज आ गई है और उसमें से आगरा को 26,280 डोज मिल गई है। अभी 16 तारीख को हमें 6 सेंटरों पर 100-100 लाभार्थियों को वैक्सीन लगानी है। अभी यह है कि वैक्सीन आ गई है तो इससे हमारी निश्चिंतता ख़त्म ना होने पाए। वैक्सीन लगने के बाद भी कम से कम दोनों डोज लगने के 14 दिन बाद ये इम्यूनिटी 100% डेवलप होती है, तो इसलिए तब तक और उसके बाद भी आने वाले दिनों में भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना, हाथ बार बार धोना और जो सावधानियां इसमें हम कोरोना की करते हैं वो करते रहना है। भारत के बाजार में 2 वैक्सीन उतारी गई हैं। भारत ने पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाकर अपना डंका बजा दिया है। भारत सरकार ने दुनिया को ये बता दिया है कि भारत अब किसी भी काम में पीछे नहीं है। वैक्सीन 16 जनवरी से सबसे पहले फ्रंट पर काम करने वाले चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को लगाया जाएगा। सी न्यूज़ के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।